आज का आपका टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बिया इनोलेट्स। इनोलेट्स के द्वारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस कैसे होती है। रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की बात करते हैं। इस कार्बन के पास चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के पास एक एक्स और तीन हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन के पास दो एक्स और दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास तीन एक्स जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो इसके हाइड्रोजन को निकालना क्या होगा, आसान नहीं होगा। यहाँ पे एक जुड़ा है, यहाँ दो जुड़े हैं, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस जो क्या करेंगे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस कार्बन से जो मजबूती हो क्या हो जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कम हो जाएगी और इस हाइड्रोजन को निकालना आसान हो जाएगा। और अगर कहीं से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या मतलब है, वो कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम ये लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा और सबसे कम कौन सा होगा, ये होगा। रिएक्टिव मेथिलीन आर दोज कंपाउंड ऑन विच CH2 ग्रुप अटैच विथ टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो रिएक्टिव मेथिलीन वह कंपाउंड होते हैं जो जिसमें CH2 ग्रुप जो अटैच होता है वह दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है। इसलिए हो गए कम से कम दो हो या तीन, कोई बात नहीं। द हाइड्रोजन ऑफ रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड आर ऑलवेज रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन होता है रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में वो हमेशा क्या होगा है, वो हमेशा रिएक्टिव ही होगा एंड एसिडिक और एसिडिक भी होगा। इजिली कैन बी रिमूव्ड बाय बेस, और उसका हाइड्रोजन आसानी से बेस जब अटैक करेगा उसके हाइड्रोजन पे तो वह निकल जाएगा। रिजल्ट और परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, कार्बेनायन बनता है। विच शोज रेजोनेंस, जो क्या करेगा, रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा, उसी को कहा जाता है कार्डेज इनोलेट आयन, उसी को हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं। मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस नोन एज इनोलेट्स, जो सबसे स्टेबल रेजोनेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, इनोलेट्स कहते हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, ओ बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, यहाँ पे एक एच, यहाँ सी डबल ओ, ऐसे कुछ कंपाउंड हैं, इनके पास क्या अटैच करेगा, बेस, तो यहाँ सी एच क्या होगा, निकल जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच, यहाँ सी एच निकला पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये माइनस कहाँ आ सकता है, इस पे आ सकता है, और ये बॉन्ड कहाँ जा सकता है, इस ऑक्सीजन पे, तो सी डबल बॉन्ड बॉन्ड सी एच, यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड बॉन्ड सी, ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड ओ माइनस, ऐसे हो जाएगा। फिर ये क्या कर सकती है, ये अपना माइनस यहाँ दे सकती हैं, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर स्ट्रक्चर बॉन्ड सी बॉन्ड ओ पे माइनस डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। और सबसे स्टेबल रेजोनेंस ये है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनकी एसिड मतलब उनमें पता करना है कौन एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पी की ए बराबर होता है माइनस लॉग के ए, तो यहाँ पे पी के ए की वैल्यू दी गई है कुछ कंपाउंड में, यहाँ सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच टू एच, यहाँ सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, यहाँ सी डबल ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड एच, सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका पी के 20 25, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 10। अब ये चीज़ देखिए,
सबसे ज़्यादा पी के ए वैल्यू इस कंपाउंड की है 25, और सबसे ज़्यादा अगर पी के वैल्यू है माइनस लॉग के होता है, तो कहने का मतलब 25 वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक होगा। और सबसे कम पी के वैल्यू इस कंपाउंड की है 5, ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वैल्यू अब आप याद कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है निकालने का। यहाँ पे देखिए, इस CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है C OO, जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पे दूसरे वाले में देखेंगे COOO C2H5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसमें देखेंगे, यहाँ पे इस CH2 के पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH2 COO, फिर CH2 इधर COO। इस वाले में इस CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर जुड़ा है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, CH3 भी लगा है। लास्ट वाले में देखेंगे, इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ इधर CH3 भी है और इधर OCO2H5 भी है। तो इस वजह से जिसका पी के वैल्यू 5 है, वो क्या है, मोस्ट एसिडिक है, या ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे COO बॉन्ड H है, इस CH2 पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक आपको दिख रहा है, और पी के वैल्यू भी कम है। अगर पूछा जाए ऐसे कंपाउंड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे क्या है, CH2 पे सिंगल माइनस चार्ज, यहाँ पे CH पे माइनस, यहाँ O पे माइनस, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है और यहाँ पे बेस भी है इसी कंपाउंड में, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि आसानी से रेजोनेंस शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड दिया गया, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये क्या है आपका, मेलोनिक एस्टर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर है एथिल एसिटोएसिटेट, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड आर दोज इन विच CH3 ग्रुप इज अटैच विथ टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड वही होते हैं जिसमें CH2 ग्रुप जो जुड़ा होता है दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है। इतना ही आपका लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।